हाय एवरीवन, मैं नवनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल कुट्टू के पकौड़े। ये एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बनाना भी आसान है, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। कुट्टू के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के कटे हुए आलू। तो आलू को हम बारीक काट कर लेंगे क्योंकि ये कच्चे हैं, और इनको मैंने पानी में डिप करके रखा है क्योंकि काटने के बाद आलू काले पड़ जाते हैं। अब इसमें जो पानी है इसे निकाल देंगे और आलू को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप कुट्टू, या फिर फाफर का आटा भी बोलते हैं इसे, और इसमें डालेंगे 4 पीस बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 छोटा चम्मच ग्रेट की हुई अदरक, 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची, 1 छोटा चम्मच भरकर सेंधा नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा करके डालेंगे। अब पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका थिक बैटर बनाएंगे। तो जो हम नॉर्मली पकोड़े के लिए बैटर बनाते हैं उससे थोड़ा थिक रखेंगे, क्योंकि फाफर का आटा कुछ देर बाद अपने आप ही पतला हो जाता है, और नमक डालने के बाद जो आलू वगैरह डाले हैं उससे भी पानी रिलीज होता है और ये और पतला हो जाएगा। बैटर हमारा रेडी हो गया है। ये हमें इस तरह की ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब हम पकौड़े बनाएंगे। तो इसके लिए पैन में ऑयल लेंगे और इसे तेज़ गर्म होने देंगे। ऑयल को चेक करने के लिए इसमें थोड़ा बैटर डालकर देखेंगे। ये तुरंत ही ऊपर आ गया है, यानी कि ये परफेक्ट है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर का पोर्शन डालते हुए पकौड़े बनाएंगे। मैं ये पकौड़े मीडियम साइज के बना रही हूँ, पर आप अपनी पसंद से इन्हें छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं, और जितने पकौड़े आसानी से आ सके उतने ही डालेंगे। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर कुछ देर तक फ्राई होने देंगे। कुछ देर बाद जब ये बबल्स थोड़े कम हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ये हल्के से ब्राउन होने लग गए हैं, तो इन्हें हम पलट देंगे। और इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद पलट कर इन्हें सब तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये हल्के से ब्राउन होने लग गए हैं तो इन्हें कुछ देर तक और फ्राई करेंगे। पकौड़े अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो गए हैं तो इन्हें हम निकाल लेंगे। कुछ देर तक कड़छी में रखेंगे ताकि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, और उसके बाद इन्हें पेपर नैपकिन पे निकाल लेंगे। ये एकदम क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बने हैं और देखने में भी टेम्पटिंग लग रहे हैं। और अब इसी तरह से सारे बैटर के पकौड़े फ्राई कर लीजिए। तो ये लीजिए, हमारे गरम गरम कुट्टू के पकौड़े बनकर तैयार हैं। मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ ठंडा ठंडा रायता और व्रत में खाई जाने वाली ग्रीन चटनी के साथ में। ये बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन बनता है। पकौड़े सब तरफ से अच्छे से फ्राई हुए हैं और आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप भी नवरात्रि में ये कुट्टू के पकौड़े की रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।